प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के झूठे लोगों को खूब झूठ बोला। इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, लेकिन पहली कैबिनेट में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को स्वार्थी अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि इन दोनों में तीन चीजें एक जैसी है, कांग्रेस सांप्रदायिक जातिवादी और परिवारवादी करती है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं, आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला क्या? मिला क्या? किसी के घर में आया क्या?